साथियों का छात्रों का धन्यवाद करता हूँ। यार आपका फोन आ रहा है, आपने आपका सिर आ रहा है। ग्यारह महीनों के अंदर ये सफर था, इस सफर में प्रदेश के अंदर इस कम समय में जो नायक जनता पार्टी को जहाँ इस्टेब्लिश करा, वही प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रीजनल दल बनकर 15% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 10 MLA इसको लेकर नायक जनता पार्टी को इस छोटे से समय में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाने का काम। आज विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल की बैठक के अंदर रामकुमार गौतम जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसको रामकरण काड़ा जी ने और रामनिवास जी ने सेकंड किया। विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे उपनेता के तौर पर चौधरी सिंह जी को और पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर अमरजीत डांडा जी को चुनने का काम किया। उसके बाद ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास हम लेकर गए, उन्होंने भी इसको अप्रूवल दी और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आग्रह किया कि फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्रदेश के अंदर कैसे आगे चला जाए, किस विषय को लेकर प्रदेश के अंदर आगामी कदम उठाए जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तौर पर अधिकृत है कदम उठाने के। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, कई साथियों ने जहां बात करी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई जाए। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला, उस परिस्थिति में अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर कौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। आज आप लोग बारी बारी कयास लगाते हैं किससे मुलाकात हुई, क्या कदम उठाए गए, औपचारिक तौर पर चर्चाएं जरूर हुई, अगर मुलाकात किसी से होगी कोई कदम बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को हम उसके बारे में पूरी तौर पर बताने का काम है। हम पॉजिटिव हैं हरियाणा को आगे ले जाने के, हम पॉजिटिव हैं प्रदेश के अंदर युवा को उसके अधिकार मिले, जो क्राइम की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हमारे एजेंडा थे जो भी संकट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन पे साथ चलने को तैयार होगा। जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। मैं तो दोबारा
क्लियरली आपको एक चीज बता दूं, 10 के 10 विधायकों ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करने का काम उनके संगठन का निर्णय हमारी ओर से, क्योंकि सभी विधायकों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आज कई ऐसे साथी है, देवेंद्र बबली जी तो 52,000 से जीत के आए, आज रामकरण काला 38,000 से जीत के आए, तमाम ऐसे साथी जिनने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा राजनीतिक प्लेटफेयर किया। आप एक और पर देखेंगे, कांग्रेस के दिग्गजों को भी हराया है हमारे कैंडिडेट्स ने, तो बीजेपी के दिग्गज भी वहाँ हारे। मगर आज प्रदेश क्या चाहता, प्रदेश के अंदर युवा, क्योंकि हमारी वोटिंग पॉपुलेशन का भी 56% वोटर युवा, कहीं ना कहीं ये जो 15% वोट मिले, मैं मानता हूँ अधिकतम युवाओं की ताकत हमें मिली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जब हमने एनालाइज किया तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि 75% रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की जो भी लाने का काम करेगा प्राथमिक तौर पर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ क्लियर आंसर फ्रॉम यू whether you're going to form a government with the support of BJP or you're going to form a government with the support of Congress? We will talk, because till now we have not spoken to anybody on this issue, because the national executive was not clear on the agenda. But now we have been authorized, we will talk to the people concerned and let's see, hopefully in few hours or few days you'll have a positive. और अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जनता के साथ? आपने ये सवाल पूछा कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या हमने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा? हरियाणा के हित के, आपके वोटरों का लेकिन आज चाहे वो कांग्रेस चाहे बीजेपी, थोड़ा पीछे अगर हमारे सहयोग से गवर्नमेंट फॉर्म करता है या गवर्नमेंट में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती, मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करने का काम किया है, हम त्याग कर कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज़ से इनकार। पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को जननायक जनता पार्टी का ना तो हिस्सा मिस्टर कांडा है, मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पर टिप्पणी करने का तो चिंता नहीं बनता। सर बीजेपी को साथ इंडिपेंडेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे सपोर्ट में आ गए, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी कि अदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की स्थिति में आ गए, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं। सर आप प्रदेश के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी, सम्मानजनक सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल आज भी चाहती है, आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए चाबी जेजेपी के साथ।